बोलिए गोटी अम्बा की। आज बेटा वो कलम दे आदिवासी अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में हम क्या करते इस आदिवासी तीर्थ स्थल गोटियांबा के इस प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में विशेषकर सबसे पहले हमारे जो मंच पे विराजमान इस क्षेत्र के अंदर और पूरे देश के अंदर आदिवासी समुदाय साथ ही पिछड़ा दलित मानवता को लेके काम करने वाले हमारे गोविंद गुरु महाराज को नमन करना चाहूंगा, मामा बालेश्वर जी को नमन करना चाहूंगा, शिक्षा को लेके अपने प्राण नौछार करने वाली वीर बाला कालीबाई कलासुआ को नमन करना चाहूंगा, हमारे पड़ोसी अभी वर्तमान जो राज्य मध्य प्रदेश है उस इलाके में अकाल के दौरान जो बड़े सेठ हुआ करते थे, गरीबों को अनाज सस्ते दाम पे खरीद के पूरे कोठिया भर रखी थी, उनको लूट के अकाल के दौरान जो गरीब अपनी भुखमरी से मर रहा था उनको बांटने का काम करने वाले टाट्या मामा को नमन करना चाहूंगा। साथ ही इस देश को एक शानदार संविधान दिया, एक दलित समुदाय से आते थे लेकिन उनके पास शिक्षा ऐसी ताकत थी तो अंग्रेजी शासन काल में संविधान निर्माण की समितियां बनी और इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले अंबेडकर जी को नमन, बिरसा मुंडा को नमन और बांसवाड़ा के नाम से जो चर्चित है बादशाह भील चरपोटा जिन्होंने बांसवाड़ा को बसाया उनको नमन करना चाहूंगा। लग रहा होगा जिन्होंने चर्चित बनाया उनको लग रहा होगा हमने अच्छा किया, लेकिन आने वाले 20-25-50 साल बाद उनकी पीढ़ियां उनके बच्चे पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उनको बच्चों को शर्म आएगी कि हमारे बाप दादा ऐसे थे जो गलत रास्ते पे चल के इस कार्यक्रम को असफल करने की और समाज के रोड़ा अटकाने का काम करने का काम किया था उनके बच्चे कहेंगे, हम नहीं कहेंगे। आज हमारा कार्यक्रम का मुख्य टाइटल जो उद्देश्य था विश्व आदिवासी अधिकार दिवस 13 सितंबर 2007 को यूएनओ ने विश्व आदिवासी अधिकार दिवस घोषित किया और वह विश्व आदिवासी अधिकार दिवस इसलिए घोषित किया, एक बात हमको समझनी पड़ेगी इस भारत देश के अंदर विश्व आदिवासी दिवस है और राज्य सरकार ने इसका राजकीय अवकाश घोषित किया 2020 के अंदर, वो आप लोगों की बदौलत थी कि हम दो विधायक चुन के गए और गहलोत जी की सरकार थी और हमने कहा इसको घोषित करो और घोषित करना पड़ा। तो इस देश के अंदर विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और एक विश्व अधिकार दिवस मनाया जाता है आदिवासियों के लिए। तो इस देश के अंदर हर समाज रहता है, हर धर्म का व्यक्ति रहता है और इस देश के अंदर हर समाज एक दूसरे समाज को मान सम्मान देता है। ये बात अलग है कि कुछ लोग जातिवादी जहर से प्रभावित होते हैं, जिनकी मानसिकता जातिवादी जहर से पोषित होती है वो लोग जरूर एक इंसान को इंसान नहीं समझ के जातिवादी आधार पर नफरत करते, वो बात अलग है, लेकिन अधिकतर संख्या में इस देश में हर समाज एक दूसरे समाज को सम्मान पूर्वक देखता है। लेकिन कुछ अपवाद जो जातिवादी जहर से प्रभावित होकर उनकी मानसिकता प्रभावित होती है, पोषित होती है और पोषित होने के बाद वो इंसान से नफरत करते हैं। तो इस देश में सिर्फ विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जा रहा है और आदिवासी अधिकार दिवस ही क्यों घोषित किया है उन्होंने? ब्राह्मण दिवस भी करना चाहिए था, जैन दिवस भी करना चाहिए था, मुस्लिम दिवस भी करना चाहिए था,
यूनेस्को विश्व हिंदू दिवस के नाम से भी घोषणा करना चाहिए था, किसी अन्य धर्म के नाम से भी घोषणा करना चाहिए था, लेकिन किया है क्या? आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ ने और 2007 के अंदर विश्व आदिवासी अधिकार दिवस एक मानवाधिकार दिवस है, क्योंकि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म मान लो। लेकिन आदिवासियों का दिवस इसलिए घोषित किया कि इस देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो स्थानीय जो ट्राइबल्स है उनके अधिकारों का शोषण किया गया आज तक। हमें संविधान के अंदर अधिकार मिल गया, आरक्षण मिल गया, संवैधानिक प्रावधान मिल गए संविधान में, लेकिन इसको धरातल पे आज तक लागू नहीं किया गया। तो धरातल पे अधिकार लागू कौन करेगा? जो विधानसभा लोकसभा में बैठने वाले लोग, सांसद और विधायक, और वर्तमान में या भविष्य में जो भी तत्कालीन सरकार रही होगी, बहुमत में कैबिनेट का अधिकार है कि संविधान में जो प्रावधान है उसको धरातल पे लागू किया जाए, लेकिन आज तक नहीं किया। मैं इस पांडाल में जो विराजमान सभी साथियों से जानना चाहूंगा, हालांकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, नहीं हम राजनीतिक पे चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन हमारी समस्या जो पैदा हुई वो कहीं न कहीं इन्हीं कारणों की वजह से हुई। आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने क्या विश्व अधिकार दिवस मनाया? विश्व अधिकार दिवस ये दिवस मनाया? संविधान के अंदर शेड्यूल 5 का प्रावधान है, अनुच्छेद 244 वन के तहत ट्राइबल्स को राइट्स दे रखे हैं। यहां पर कई प्रकार के आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी सीधा नहीं खरीद सकता है, ये संविधान में प्रावधान है। क्या ये दूसरी पार्टियों वालों ने बताया? इस इलाके के अंदर रिजर्वेशन का प्रावधान प्रायोरिटी आदिवासियों को दिया जाएगा, यह संविधान के अंदर 1950 में ही प्रावधान हो गया। क्या यह बात किसी ने बताई हमको? ये बात अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि भैरव सिंह जी की सरकार आई और आज हमको यहां पर आरक्षण दिया ही कहते 1995 में। यह बात सही है कि 1995 से पहले हमारे इस इलाके के अंदर कोई भी समाज का सरपंच बन सकता था, एमएलए बन सकता था, और जब ये पैसा एक्ट के संबंध में आंदोलन चले और 1994-95 के आसपास राजस्थान के अंदर भैरव सिंह जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, इसलिए बीजेपी वाले कभी खुश होकर ये कहते हैं कि आरक्षण हमने दिया। ये सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की कि संविधान में 1995 से ये प्रावधान है कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का जो क्षेत्र है वहां पर शासन और प्रशासन में 100% रिजर्वेशन ट्राइबल को मिलना चाहिए, इसके बावजूद भी आप शासन के अंदर, मतलब शासन में सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, एमएलए, एमपी, ये शासन हो गया, और प्रशासन मतलब अपने सरकारी नौकरी, तो संविधान में प्रावधान था, और उसको लेके सामाजिक सेवी नॉर्थ ईस्ट का समाज सेवी था, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि देश के अंदर संविधान के अनुरूप शेड्यूल 5 के प्रावधान लागू नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया सभी सरकारों को, राजस्थान के अंदर उसने भैरव सिंह जी की सरकार की, और कहा कि संविधान में प्रावधान है, आप लागू कहीं क्यों नहीं कर रहे हो, और उनको मजबूरन लागू करना पड़ा उस समय। इससे क्लियर ये होता है कि किसी पार्टी वाले ने आरक्षण नहीं दिया है। आरक्षण हमारे बाप दादा ने लड़ झगड़ के अंग्रेजों से, राजा रजवाड़ों से, मुगलों से संविधान के अंदर प्रावधान करवाया। 1875 का जो अधिनियम था उसमें यह शेड्यूल 5 का प्रावधान हुआ, और 1950 के अंदर संविधान के अंदर एज इट इज इसको लिया गया। हमारा विषय यह था आज, हमारा विषय यह था कि हमारे लोगों को हमारे राइट्स बताए। अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया, क्या बोला, पुलिस प्रशासन परेशान करता है, राजस्व वाले परेशान करता है, हम सभी को दोष नहीं दे सकते, हो सकता है कुछ परसेंट
जो गलत मानसिकता से या गलत विचारधारा से प्रभावित लोग होते हैं अधिकारी, वो जरूर हमारा शोषण करते होंगे, हर कोई नहीं करता है। तो उसको लेके भी कहना चाहूंगा, हमारा राइट से अधिकार ये है, पैसा एक्ट, पैसा एक्ट में ये स्पष्ट कर रखा है कि 2 साल तक की सजा वाला कोई भी मामला संबंधित थानेदार सीधा थाने में मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे, ये पैसा एक्ट में प्रावधान कर रखा है। 2 साल की कम सजा वाला छोटा मोटा मामला अगर कोई भी आदमी सीधा थाने में जाए तो संबंधित जो जांच अधिकारी है वो पैसा एक्ट की जो हमारी ग्राम सीटा निकाल के लाया, जब उन्होंने विरोध करना शुरू किया, धर्म को लेके ले आए, हम अधिकार की बात करने आए थे, ये धर्म पे आ गए, धर्म हमारा विषय नहीं है, नहीं हम धर्म पे जाना चाहेंगे, लेकिन ये बात जरूर कहेंगे कि हम गोविंद गुरु महाराज, मामजी महाराज, मामा बालेश्वर, उनको मानेंगे, किराएदारों वालों को नहीं मानेंगे। आज मेरा विरोध कर रहे हैं ये। मैं किस जगह से आता हूं, मैं 84 से आता हूं, और गोविंद गुरु महाराज महाराज को पहला शरण हमारे परिवार के लोगों ने दिया था कलसी बेमा ने, नाम सुना होगा आप लोगों ने, कलसी बेमा, और हमारी रोज गोत्र के हमारे परिवार के हमारा खून था वो। गोविंद गुरु महाराज ने पहली शुरुआत भक्ति की बात करें आदिवासी समाज में बासिया धाम से शुरू किया, बासिया से, और वो हमारे परिवार कलसी बेमा से, पुराने बुजुर्गो हम वो जानते होंगे, और कलसी बेमा के घर से वो रोज हमारे गोत्र के हमारे